बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार पर सीधा निशाना साधा है। कहा, कुछ लोगों को लगता है प्रधानमंत्री बनकर स्वर्ग जाया जा सकता है। नीतीश का नाम लिए बिना सुधाकर सिंह ने दे दिया बयान। मंत्री रहते हुए भी अपनी ही सरकार पर कई बार हमलावर हुए थे सुधाकर। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं सुधाकर सिंह। प्रधानमंत्री बनने की बेचैनी है, जैसे लग रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो इनकी आत्मा संतुष्ट रह जाए। ईश्वर के जाने की, जो कहा जाता है ईश्वर जाने के रास्ते क्या है, तो लोग कहते हैं कि बहुत सारे रास्ते हैं, तो कुछ लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री के पद पे जाने का रास्ता, ईश्वर जाने का रास्ता प्रधानमंत्री के पद से होते होके जाता है, इसीलिए प्रधानमंत्री बना दो कि स्वर्ग में भी हमको जगह मिल जाए। बिहार में बढ़ रहे डेंगू के खिलाफ सरकार का विशेष अभियान। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने एंटी लार्वा दस्ते को किया रवाना। गांधी मैदान से हरी झंडी दिखाकर इस दस्ते को रवाना किया गया। छिड़काव और एंटी लार्वा स्प्रे के लिए 513 टीमें रवाना। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार डेंगू से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारी जो सरकार है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, वो गंभीर और लगातार जो है हम लोग देख रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। बिहार भर में 2-3 ऐसे जिले हैं जहां डेंगू का प्रकोप है, उसमें कि सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे बड़ा शहर पटना है, राजधानी है, तो वहां इसका असर ज़्यादा है। तो इसलिए हम लोगों को समीक्षा के बाद लगा कि तैयारी जो है युद्ध स्तर पर हम लोगों को करना चाहिए, और साथ ही साथ क्योंकि छठ आ रहा है, छठ पे हम लोगों ने, पूरे विभाग के लोगों ने और प्रधान सचिव जी ने पूरे बिहार के सभी नगर आयुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके विशेष तौर पर साफ सफाई को लेकर के विशेष ध्यान देने की बात कही गई है, और हम लोगों का विभाग इस दिशा में भी काम कर रहा है। मुजफ्फरपुर में MDDM कॉलेज में परीक्षा के दौरान कथित तौर पर हिजाब हटाने की बात को लेकर छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्राओं का कहना है कि परीक्षा देते समय टीचर ने हिजाब हटाकर कान दिखाने के लिए कहा कि ब्लूटूथ तो नहीं लगा। विवाद को धर्म से जोड़ते हुए छात्राओं ने कहा कि उन लोगों के साथ जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। वहीं कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना था कि लड़कियां जांच में सहयोग नहीं कर रही थी। मामले ने तेजी से तूल पकड़ ली। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने गुजरात में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा वो जल्द ही गुजरात के दौरे पर जाएंगे और तैयारियों का जायजा लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं और बिहार में महागठबंधन की सरकार है, तो वो चाहेंगे कि महागठबंधन में वहां साथ में चुनाव लड़े, लेकिन अगर इस पर फैसला नहीं हो पाता है तो वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले चिराग पासवान की पार्टी LJP भी गुजरात में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। गुजरात अभी हाल में हम गए थे और रन जो होता है कच्छ का रन वहाँ, और काफ़ी लोगों से मुलाकात हमारी हुई है और वहाँ काफ़ी हमारे लोग हैं। 2 दिन में 200 आदमी हमसे मिले थे। उन लोगों ने कहा है कि हाँ आप चुनाव लड़िए। हमने उनको कहा है कि हम करीब करीब इसी महीना के अंत में हम गुजरात आवेंगे और उसमें हम तय करेंगे कि कहाँ कहाँ चुनाव कैसे कैसे लड़ा जा सकता है। लबोलवाब यह है कि हम वहाँ चुनाव लड़ेंगे, इसकी संभावना है। तो हमारा गठबंधन बिहार में है, बिहार गठबंधन के आलोक में भी हम लोग उसमें देखेंगे, लेकिन अगर वहाँ पर अलग अलग चुनाव लड़ने की बात होगी तो हम भी अलग अलग लड़ेंगे, उसमें कहाँ कोई दिक्कत है। लेकिन जो गठबंधन है हम लोग यहाँ और समूचे हिंदुस्तान में भाजपा के खिलाफ हमारा गठबंधन बन रहा है और बनाने का प्रयास माननीय नीतीश कुमार जी और हम लोग कर रहे हैं, तो हम उससे बाहर नहीं जा सकते हैं। और अगर ऐसा होगा तो उसी में हम गुंजाइश सोचेंगे कि हमको भी वहाँ कुछ सीट दिया जाए, और अगर वैसा नहीं होता है तो हम इंडिपेंडेंटली वहाँ पर कुछ सीटों पर लड़ेंगे, जिसके बारे में हम अभी वहाँ जाएंगे तो बात करेंगे, या हमारा अध्यक्ष राष्ट्रीय हैं वो जाएंगे तो बात होगी। पटना में एक शख्स ने नकली जज बनकर DGP को धोखा दे दिया। अभिषेक अग्रवाल नाम का यह शख्स
बड़े अधिकारियों से बेहतर ताल्लुक रखता था। एक पूर्व आईपीएस अधिकारी को क्लीन चिट दिलवाने के लिए उसने रची साजिश। मामले का खुलासा होने के बाद अभिषेक को जेल भेजा गया। अभिषेक पर पहले भी ऐसे मामले दर्ज हैं। आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार के लिए रची गई थी ये साजिश और अब उनके खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच की आंच कई बड़े अधिकारियों तक आ सकती है। गया में सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान करीब 40 स्टूडेंट्स को ब्लूटूथ के जरिए नकल करते हुए पकड़ा गया। अलग अलग एग्जाम सेंटर से गिरफ्तार हुए इन स्टूडेंट्स को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ये सभी किसी स्कॉलर से जुड़े थे जो उन्हें सवालों के जवाब बता रहा था। कुछ स्टूडेंट बहुत ही छोटे से मोबाइल को बायां कॉलर में लगाकर परीक्षा दे रहे थे। उनके पास से ब्लूटूथ और मोबाइल जब्त किए गए। कुछ छात्रों ने कान के बिल्कुल अंदर ब्लूटूथ लगाया था जिसे निकालना बहुत मुश्किल साबित हुआ। डॉक्टर की मदद से उन ब्लूटूथ को निकाला गया। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार में जन सुराज पद यात्रा कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए कहा कि अभी तक नीतीश जितने दिन सीएम रहे उसमें आधे से ज्यादा दिन तो बीजेपी का ही साथ मिला। साथ ही प्रशांत ने ये भी कहा कि आज हर कोई उन पर अलग अलग टीम में शामिल होने का आरोप लगा रहा है लेकिन वो बस जनता की टीम में। जो जदयू है या जदयू की लीडरशिप है ये अपने जीवन के 17 साल नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री रहे हैं उसमें 14 साल तो भाजपा के साथ रहे हैं। अभी एक महीना पहले तो नीतीश कुमार खुद भाजपा के साथ थे। पब्लिकली जनता के सामने मोदी जी को महामानव बता रहे थे, 90 डिग्री झुक के उनको प्रणाम कर रहे थे। अब आज वो हमको सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि मैं ए टीम हूँ कि बी टीम हूँ। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भाजपा मुझे पैसा दे रही है, भाजपा वाले कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुझे पैसा दे रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बता रहे हैं कि कांग्रेस इनको पैसा दे रही है। तो भाई पहले वो आपस में तय कर ले कि मैं किसकी बी टीम हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ जनता की का बी टीम हूँ, जनता ए टीम है, मैं उनकी बी टीम हूँ और बाकी जो जहाँ है वो अपना सोच ले। बिहार में होने वाले उपचुनाव में बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी महागठबंधन की तरफ से आरजेडी की टिकट पर मैदान में। विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के लिए नीलम देवी की तरफ से जो पोस्टर बैनर छपवाए गए उसमें नीतीश कुमार की तस्वीर नजर आ रही है। साथ ही पोस्टर में ललन सिंह भी मौजूद है। अनंत सिंह से ललन सिंह के 36 के आंकड़े तो नीतीश कुमार और अनंत सिंह के रिश्ते भी कुछ खास नहीं रहे। ऐसे में नीतीश कुमार और ललन सिंह का नीलम देवी के लिए प्रचार करना राजनीति में नई नीति का संकेत दे रहा है। झारखंड में लड़कियों के साथ हर दूसरे दिन हो रही दुर्घटनाओं के खिलाफ बीजेपी सड़क पर उतर गई। हेमंत सरकार के विरोध में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। पोस्टर्स बैनर्स के साथ सड़क पर हुआ हंगामा।